गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे अपना मॉर्निंग का रूटीन। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह मैं थोड़ा 8 बजे के आसपास उठ जाती हूँ, अभी छुट्टी वाले दिन तो बाकी ऑफिस जाना होता है, उस दिन तो 6 बजे उठना ही होता है। तो 8 बजे जब मैं उठती हूँ तो इवान और अजय जो हैं वो सो रहे होते हैं उस टाइम, और मैं उठ के बस मम्मी पापा तो जग चुके होते हैं, वो जल्दी जग जाते हैं, और घर में बाकी सब सो रहे होते हैं। तो बस फिर मैं फ्रेश व्रेश होती हूँ और उसके बाद अपना थोड़ा एक गिलास पानी पीती हूँ गर्म करके, ये मेरी आदत है, गर्म पानी मैं सुबह पीती ही हूँ। और उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। तो ब्रेकफास्ट में अलग अलग चीज़ें, थोड़ा हैवी ही ब्रेकफास्ट हम प्रीफर करते हैं, जैसे पराठे आलू के, प्याज के, किसी भी चीज़ के, मतलब पराठे खाने में, या फिर जैसे आज मैं डोसा बनाने वाली हूँ तो डोसा बना लूँगी, तो डोसा भी सबको बहुत पसंद है, सब खा लेंगे ब्रेकफास्ट में। तो ऐसे ही मेरी सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट से ही फिर शुरू होती है, और इतने तक मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी छोटी मोटी कर रही होती हूँ, फिर 9 के आसपास बज जाते हैं ये सब करते करते, और फिर इवान अजय भी उठ जाते हैं, और मम्मी पापा तो सुबह उठते हैं तो वो अपनी चाय खुद ही बना के पी लेते हैं, नहीं तो मैं जगती हूँ, अगर उन्होंने नहीं पी होती तो मैं बना देती हूँ उनकी चाय। तो आज चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो आज मैं डोसा बनाने वाली हूँ, डोसा और स्टफिंग करूँगी उसमें आलू की। वैसे तो ये रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर जो नए लोग हैं उनके लिए दोबारा से कर देती हूँ। तो डोसा बनाना बहुत ही सिंपल है, मैं सूजी का डोसा बनाती हूँ, रवा डोसा कहते हैं जिसको, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, और एकदम करारा बनता है और मिनटों में बन जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जिसके पास कम टाइम हो वो फटाफट सुबह बना सकता है ये डोसा, टिफ़िन वगैरह में भी बच्चों के दे सकते हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे जो है आधा कप सूजी ली है, ये जो कप आपको दिख रहा है मैं पूरा इसी से मेजरमेंट लूँगी। तो इस साइज़ का कप आपके घर में हो तो उसी हिसाब से डालना, क्योंकि इसमें पानी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, अगर पानी आप इधर उधर गड़बड़ा देंगे तो फिर वो ऐसा हो सकता है अच्छा ना बने। तो मैंने आधा कप सूजी ली है, आधा कप राइस का आटा लिया है, बस मेरे पास चावल थे मैंने उसे पीस लिया तो वो चावल का आटा बन गया, आधा कप सूजी, आधा कप चावल का आटा, 1/4 कप मैदा, और 1 चम्मच दही डालिए, और उसके बाद 2.5 कप पानी डालिए, यही कप यूज़ करिएगा, और विस्कर से इसको हिला दीजिए, लंप नहीं बनने चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास, देखिए मिक्सचर बन गया है। अब मैं इसमें डालूंगी अलग अलग चीज़ें, जैसे मैं इसमें प्याज डालूंगी, प्याज में ही मैंने अदरक का टुकड़ा डाल दिया था तो मैंने साथ ही चॉप कर लिया था, तो प्याज अदरक हो गई। इसमें काली मिर्च डालूंगी, आधा चम्मच के आसपास काली मिर्च डालिए, 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए, और नमक डाल दीजिए, धनिया पाउडर डाल दीजिए, और इसको बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। बढ़िया से मिक्स करने के बाद इसको आप रख दीजिए कम से कम 25 मिनट, मैंने तो आधा घंटा रख दिया था क्योंकि मैं और कामों में लग जाती हूँ तो आधा घंटा हो ही जाता है, तो आधा घंटा इसको छोड़ दीजिए एक साइड रख के। अब चलिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, आलू मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, तो मैंने यहाँ पे लिया है, तेल डाला है, तेल के बाद मैंने इसमें राई डाली है, राई के बाद मैंने कड़ी पत्ता डाला है, और हाँ कड़ी पत्ता मैं बताना भूल गई, कड़ी पत्ता आपको उस मिक्सर में भी डालना है जो आपने डोसे के लिए बनाया है, वो कड़ी पत्ता भी बहुत ज़रूरी है डालना, और कड़ी पत्ता बहुत पौष्टिक होता है, बहुत हेल्दी होता है, तो ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी है, प्याज को अच्छे से हिलाइए, और ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, हल्की सी ब्राउन हो जाए क्योंकि उसमें वो मिठास रहना चाहिए, जलनी नहीं चाहिए प्याज। तो इसको हिलाने के बाद इसमें सारे मसाले डाल दीजिए। मसालों में मैं डालती हूँ हल्दी, हल्की सी मिर्च डाल लेती हूँ क्योंकि इवान को भी खाना होता है और बच्चा ज़्यादा मिर्च नहीं खा सकता, धनिया पाउडर डाल लेती हूँ, और हल्का सा बिल्कुल गर्म मसाला चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, वैसे मैंने तो नहीं डाला था, पर गर्म मसाले से थोड़ा और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और बस आलू डाल दीजिए, आलू थोड़े से हाथ से मैश कर दीजिए, मतलब कड़छी से, और थोड़े से नॉर्मल रहने दीजिए, मतलब कहीं मोटा पीस कहीं मैश्ड ऐसे आए तो मज़ा आता है डोसे में। और बस फिर मैं डोसा बनाने की तैयारी करने लगी थी, और इतने तक अजय और इवान भी उठ गए थे तो मुझे लगा अच्छा है अब सब गरम गरम खा लेंगे, मम्मी पापा को भी सर्व कर दूंगी, भैया भी सो के उठ गए थे। तो मैंने यहाँ पे तवा लिया, नॉन स्टिक तवा लेना है आपको, और जो ये मिक्सर आपने बनाया था आधा घंटा हो चुका है इसमें, तो आप इसको सिंपल, ना कोई तेल लगाना है ना कुछ, तवे को साफ करके एकदम हॉट तवे पे, गैस धुआं निकलने लगे, और बढ़िया से उसको फैला दीजिए, देखिए जाली जाली बन गई है क्योंकि सूजी का है,
और उसके बाद इसके चारों कोनों पे तेल और ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चित्ते जो हैं वो ब्राउन कलर के आने लगे हैं, इसका मतलब वो नीचे से अब उठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत आसानी से उठ जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। कड़छी से पलटे से आराम से उठा दीजिए, आलू की स्टफिंग बीच में भर दीजिए और ये देखिए कितना करारा डोसा बना था, सबको खा के बहुत मज़ा आ गया था। हमारे घर तो लोग, मैं तो खाली खा लेती हूँ, मतलब कुछ चीज़ नहीं लेती इसके साथ। अजय सॉस लेते हैं, भैया भी सॉस लेते हैं, तो ऐसे अपनी मर्जी से आप चटनी वटनी भी बना सकते हैं, पर सुबह सुबह इतना टाइम होता नहीं और हमारे घर में सब ऐसे ही खा लेते हैं, तो मैं तो सिंपल डोसा ही बना देती हूँ, सब बढ़िया खा लेते हैं ब्रेकफास्ट। और बस फिर सबको खिलाने पिलाने के बाद होती है किचन की क्लीनिंग, तो पूरा ये जो आपको काउंटर बोर्ड दिख रहा है ये मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि काफ़ी फैल जाता है और ये जो तेल है ना ये भी फैल जाता है डोसा वोसा बनाओ तो पूरा क्लीन करना पड़ता है। सारे बर्तन वर्तन लगा देती हूँ, सारे बर्तन इकट्ठे कर देती हूँ, क्योंकि बबली आंटी आती है छुट्टी वाले दिन, वो 11-12 बजे के आसपास आती हैं, तो सारे बर्तन मन चाहे मेरा ये रहता है मेन फोकस। तो बस उसके बाद बढ़िया से किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद और फिर मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन है वो ख़त्म होता है, और उसके बाद फिर अपना इवान को थोड़ा देखती हूँ और उसके बाद लंच रूटीन शुरू होता है। लंच रूटीन भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, तो देखिएगा ज़रूर। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम।